कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम मिलाए जा, जो जिंदगी है देश की ये देश पे लुटाए जा। आदरणीय मेरी बड़ी बहन दीपा मलिक जी, मेरे बड़े भाई महेश जी, राजू जी, रमेश जी, पूरा शवानी ग्रुप, बापू जी, और आज के इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर मेरे आए हुए भाइयों बहनों और मेरे पिता समान सबको मैं वंदे मातरम बोलता हूँ। ऐसा माहौल पूरे भारतवर्ष के अंदर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जहां कण कण में सच्चाई है, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ नारे तो बहुत दिए जाते हैं सरकारों की तरफ से, पर उसके रास्ते पे चलता कोई कोई है। और यहां पे सरकार नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आपके सहयोग से, भगवान की कृपा से, मन की सच्चाई से ये नई क्रांति की शुरुआत है, जो पूरी दुनिया में, जो भारतवर्ष के कोने कोने तक एक ऐसा पैगाम देके जाएगी। अगर बनना है तो फिर सूरत के गुजराती की तरह बनना, दिखावा करने की कोशिश मत करना, ये बताएगी। दीपा मलिक जी, हम लोग पूरे राष्ट्र में रोज घूमने का मौका मिलता है, कई सोशल समागमों में जाने का मौका मिलता है, पर अगर 100 कार्यक्रम पे जाते हैं उसमें एक या दो कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसके अंदर सच्चाई दिखाई जाती है। भगवान देखता है, सच और झूठ भगवान देखता है। और मैं देख करके कितनी देर ये सारा कार्यक्रम जो हम मंच पे देख रहे थे, आंखें भावुक थी, भावुक था मैं। ऐसी सच्चाई, ऐसी एक नया आंदोलन, नई क्रांति, चाहे महेश परिवार, शवानी परिवार, चाहे मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे जवान शहीद होते हैं, जो बहनों के सुहाग गुजर जाते हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को देखने का काम भी शवानी ग्रुप करता है। कभी पीछे नहीं हटते हैं। यह गुजरात की, सूरत की एक ऐसी धरती है जो हर मिशन पे, हर तकलीफ में, जहां संस्कृति की क्रांति है, जहां विकास की क्रांति है, यहां हमारी इन बेटियों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, और महेश भाई जी को तो सब पिता ही कहते हैं, ऐसी क्रांति का आंदोलन हमें पूरे राष्ट्र के कोने कोने तक करना है। और सबसे बड़ी बात, यहां कोई एक धर्म की बात नहीं है। वो जो नारा था पुराना, भारत मां के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, वो यही नजर आता है, यही नजर आता है। आज राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लोग चर्चा भी बड़ी करते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, कि गुजरात के लोग वहां फौज में कम जाते हैं, विदेशों में ज्यादा रहते हैं, व्यापार बहुत अच्छा है, फोर्स में कम जाते हैं। मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, जिस दिन गुजरात कमजोर हो जाएगा, हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा, गुजरात का हर व्यक्ति हमें घर घर तक रोटी पहुंचाता है, विकास का प्रतीक है वो गुजरात। गुजरात के लोगों ने हमें एक हिंदुस्तान के अंदर वो योद्धा दिया। मैं फिर कहूं,
हमारे राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर प्रथम भारत राष्ट्र पहले, नेशन इज फर्स्ट, वो योद्धा दिया है गुजरात के अंदर से निकला हुआ नरेंद्र मोदी, जिसने पाकिस्तान चाइना के चने चबा के रख दिए। एक गोली चलती है पाकिस्तान से, जब से नरेंद्र मोदी वो आया है योद्धा, 100 गोली का जवाब दिया जाता है। अब वो वक्त गुजर गए, सीमाओं की रक्षा, बहनों के सुहागों की रक्षा, उनके बच्चों की रक्षा, एक उनका कर्तव्य है, मैं उसको पूरा करूंगा। कितने बड़े आंदोलन हुए, नोटबंदी आई, नए नए बिल आए, सूरत के लोगों ने खास तौर पे ये बता दिया कि हमारे ऊपर चाहे नोटबंदी चला लो, चाहे बड़े बिल ला दो, हम उसको जेल लेंगे, पर राष्ट्र को कभी कमजोर नहीं होने देंगे, हमारे लिए नेशन इज फर्स्ट, वो बता दिया। अभी मुरारी बाबू जी का एक बहुत बड़ी कथा हुई, आपके लोगों ने क्या क्या नहीं यहां कार्यक्रम किया, और यह बता दिया हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि हम सिर्फ विकास की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ विकास की और व्यापार की बात नहीं करते हैं, जब राष्ट्र का कमीशन सामने आ जाता है हम उससे पीछे नहीं हटते। ये उन लोगों को, उन पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देना चाहता हूं, अगर राजनीति भी सीखनी है तो गुजरात से सीखो, विकास भी सीखना है तो गुजरात से सीखो, व्यापार भी सीखना है तो गुजरात से सीखो, शिक्षा भी सीखनी है तो गुजरात से सीखो, संस्कृति भी सीखनी है वो गुजरात से सीखो। बड़ी बड़ी बातें करना दूर बैठ के बहुत आसान होता है, और यहाँ आके गुजरात में देखो, गुजरात एक विकास का प्रतीक है। कई बार सवाल मेरे मन में आता है, मैं फिर कहूं, राष्ट्र एक है, पर गुजरात के लोगों को, सूरत के जब अपने भाई बहनों को, जिन्होंने अपनी राष्ट्र की संस्कृति को संभाल के रखा है, राष्ट्र की संस्कृति को कभी टूटने नहीं दिया है, क्या गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा है? जब पूरे राष्ट्र में घूम करके आता हूं, मुझे लगता है गुजरात तो हिंदुस्तान से अलग है। अलग इसलिए नहीं कहता हूं, अलग इसलिए कहता हूं, गुजरात के लोगों ने हिंदुस्तान की संस्कृति, व्यापार, पूरी दुनिया के अंदर इस मातृभूमि का नाम ऊंचा किया हुआ है वो गुजरात। और कई बार कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति गुजरात के हर व्यक्ति की तरह चलना शुरू हो जाएगा, इस मातृभूमि कभी कमजोर हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। पहले कहा जाता था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के साथ नाम जुड़ता था दिल्ली, अब कहते हिंदुस्तान, भारत मां उसके साथ जुड़ता है, जय जय गर्वी गुजरात, नहीं तो मिशन पूरा ही नहीं होता। ये है हिंदुस्तान की तस्वीर। आज हिंदुस्तान का नाम गुजरात के भाइयों और बहनों ने पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। पहले भी हिंदुस्तान का नाम होता था, पर आज पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गुजरात के लोगों ने मजबूती दी है, पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया में बैठा हुआ हिंदुस्तानी कभी आपके एहसान को कभी भुला नहीं सकता। और आज मैं महेश भाई जी को, रमेश जी को, पिताजी को, राजू भाई को और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और आपसे आज के दिन जो हमारी राष्ट्र के लिए, जो हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जंग है, हमारी लड़ाई है, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, पूरे मातृभूमि की सीमाओं की उसकी रक्षा के लिए, वो हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे, और इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए
अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को हम देने के लिए तैयार रहेंगे। पर उस वक्त हमें पीड़ा होती है जब दुख होता है, जब गुजरात की धरती से एक एमएलए, ये हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसा बयान आता है कि नरेंद्र मोदी जी की हड्डियां को हिमालय में गलाने के लिए चला जाना चाहिए। मैं उस एमएलए को कहना चाहता हूं, तू वही एमएलए है जो जेएनयू के अंदर घनैया का साथ दिया था और घनैया ने तुम्हें साथ दिया था, जिसने कहा था जब हमारे नौजवान इन्हीं दिनों के अंदर बर्फों में मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिंदा समाधि ले रहे थे, एक मौत से लड़ रहा था, और उस घनैया ने कहा था जेएनयू के अंदर भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे, तू उसका साथी है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी को तू बाद में देख लेना, पहले अपने से देख ले इस गुजरात का अपमान, गुजरात के उस जोधे का अपमान जिसने मात्र भूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए वचन दिया है, उसके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुन सकते। मैं कभी नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला हूं, मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं है, पर हां, जो राष्ट्र के लिए करता है, जो राष्ट्र के लिए मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होता है, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होता है और कर्तव्य हमेशा रहेगा। आखिर में ये बची हुई बोनस की जिंदगी के अंदर मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे अठा रखी है। हे भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बसी वो साथ चढ़ाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।